नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम साहू। आपका शुभम एजुकेटर चैनल में स्वागत है। अगर आपका भी बैंक अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और आप यूज करते हैं इंटरनेट बैंकिंग और उसमें का आप यहां पे प्रोफाइल पासवर्ड भूल गए हैं या लॉगिन पासवर्ड भूल गए हैं या दोनों ही पासवर्ड भूल गए हैं। नॉर्मली जब आप यहां पे इंटरनेट बैंकिंग में सबसे पहले लॉगिन करते हैं, जाके अपनी यूजर आईडी डालते हैं और फिर पासवर्ड डालते हैं, फिर लॉगिन हो जाते हैं, तो वो वाला अगर लॉगिन पासवर्ड भूल गए हैं तो वो भी आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसा नए बनाएं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे यहाँ पे नया पासवर्ड बना सकते हो। दूसरा, यहाँ पे जब आप लॉगिन कर लेते हो तो अंदर कोई भी अगर यहाँ पे चेंजेस करते हो मेन या ट्रांजेक्शन करते हो, तब जो आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ता है उसको यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कहते हैं प्रोफाइल पासवर्ड। ये जो प्रोफाइल पासवर्ड होता है इसको भी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप इसमें से एक अगर यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, भूल गए हैं, नया बनाना चाहते हैं, तब भी ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप दोनों ही भूल गए हैं, आपको दोनों ही बनाना है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए सिंपली स्क्रीन पे चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे आप यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि आप यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड कैसे बनाओगे। उसके बाद जैसे ही लॉगिन पासवर्ड बनाना बता दूंगा, उसके बाद तुरंत ही आपको यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड कैसे बनाना है बताऊंगा। चलते हैं स्क्रीन की और। तो सबसे पहले आप मोबाइल में कर रहे हैं तो मोबाइल फोन में, और अगर लैपटॉप में कर रहे हैं तो लैपटॉप में। आपको सिंपली कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर का यूज कर रहा हूँ। तो सिंपली मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च कर दिया है SBI बैंक नेट बैंकिंग, तो आपको ये भी सर्च कर देना है यहाँ पे। और उसके बाद आपको सबसे ऊपर ये रिटेल वाली यहाँ पे लिंक मिल जाती है, लेकिन हम शुरू से बताते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये सेकंड वाली लिंक जो दिख रही है www.onlinesbi.sbi, इस पर क्लिक कर देता हूँ पर्सनल बैंकिंग पे। उसके बाद फिर से यहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, हमारे यहाँ सिक्योरिटी के लिए ही जो भी फ्रॉड व्रॉड होते हैं उनसे बचने के लिए चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या यहाँ पे अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉरगेट यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड, ये जो दिख रहा है यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं फॉरगेट यूजर नेम एंड लॉगिन पासवर्ड, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले पूछ रहा है फॉरगेट माई लॉगिन पासवर्ड, तो सिंपली जब आप लॉगिन करते हैं यहाँ पे जो पासवर्ड डालते हैं वो वाला अगर आप भूल गए हैं सिंपली वो बोल रहा है उसके लिए। और दूसरा है यहाँ पे फॉरगेट यूजर नेम, यूजर नेम यहाँ पे जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको अपना यूजर नेम डालना पड़ता है, तो ये वाला है यूजर नेम। और उसके बाद है सेट लॉगिन पासवर्ड फॉर रिक्वेस्ट अप्रूवल बाय ब्रांच, ये ब्रांच के द्वारा है और ये न्यू रजिस्ट्रेशन वाला है, अगर आपका अभी तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो उसके लिए वाला है। रिसेंट यूजर आईडी थ्रू SMS, आपके मोबाइल नंबर पे SMS के थ्रू आ जाएगी जब नया रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड भूल गया हूँ तो पहले वाले पे क्लिक कर दूंगा और उसके बाद ये नेक्स्ट जो दिख रहा है इस पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम डाल देना जो भी आपने यूजर नेम बनाया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देना है, आपकी पासबुक पे आपका अकाउंट नंबर देखने को मिल जाएगा। कंट्री कोड यहाँ पे सिंपली आप इंडियन ही होंगे तो इंडिया डाल दीजिए। उसके बाद 91 ये ऑटोमेटिक ले लेगा और अपना पूरा मोबाइल नंबर डाल दीजिए, मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपके बैंक से लिंक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, डेट ऑफ बर्थ में पहले डेट डाल देनी है, जैसे 1 तारीख है तो आपको 01 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला स्लैश का यहाँ पे सिंबल लगाना है और उसके बाद आपका जैसे पहला महीना है जनवरी तो आपको 01 कर देना है, फिर स्लैश लगा के जो भी है जैसे 1990 मान लेते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो ऐसे आप यहाँ पे अपनी डेट लिख देंगे जो भी आपकी जन्मतिथि है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कैप्चा दिख रहा है, जैसे इसमें यहाँ पे दिख रहा है E5A34, जो भी आपके में दिख रहा है वो आपको यहाँ पे सिंपली लिख देना है और उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड, तो उसको सिंपली आप अपने मोबाइल में चेक कर लीजिए। उसके बाद डालने के बाद आपको यहाँ पे डाल देना है टाइप करके और फिर कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला है यूजिंग ATM कार्ड डिटेल्स, तो अगर आपके पास ATM कार्ड है तो आप ATM कार्ड के थ्रू यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे आपके पास प्रोफाइल पासवर्ड आपको याद है जो कि आप जब लॉगिन कर देते हैं तो अंदर कुछ भी चेंजेस करते हैं उसके लिए जो भी यहाँ पे होता है पासवर्ड, वो वाला अगर आपको याद है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे कि ब्रांच जाके आप यहाँ से करवा सकते हैं रीसेट योर लॉगिन पासवर्ड विथ ब्रांच एक्टिवेशन, तो इसके लिए आपको ब्रांच से एक्टिवेट करवाना होता है।
तो मैं सिंपली यहाँ पे एटीएम कार्ड चूज कर लेता हूँ। अगर आपको प्रोफाइल पासवर्ड याद हो तो आप दूसरा चूज कर लीजिए, मैं पहला चूज कर लेता हूँ एटीएम वाला, और कंटिन्यू पे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा एटीएम कार्ड देखने को मिल जा रहा है आपको। सिंपली यहाँ पे आपका कार्ड दिख जाएंगे, जितने भी कार्ड होंगे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको सिंपली कुछ डिटेल्स डालनी है, जैसे कि यहाँ पे आपको कार्ड नंबर दिख जाएगा, आपको कार्ड होल्डर नेम डालना है। कार्ड होल्डर नेम में सिंपली जो भी कार्ड पे जिसका भी नाम लिखा हुआ है, जो भी नाम लिखा हुआ है आपका, उसको आपको यहाँ पे नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे अगला होता है वैलिड टू एक्सपायरी डेट, जो आपके कार्ड के ऊपर ही लिखा होता है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे पहले साल सेलेक्ट कर लीजिए जो भी है, जैसे कि हमारा यहाँ पे मान लेते हैं कि 21 तक है, जनवरी तक, तो यहाँ पे ये 2021 और ये जनवरी आ गया है, जितने तक है वो आपके कार्ड के सामने लिखा होगा उसको देख लीजिए। पिन आपका जो भी एटीएम पिन है उसको यहाँ पे आपको डाल देना है, एटीएम पिन जो आप जाके एटीएम में बनवाते हैं या तो ऑनलाइन आप यहाँ पे बना लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिख रहा है, ये जैसे यहाँ पे CE7 ये दिख रहा है, इसी तरह आपको जो कैप्चा कोड दिखेगा आपके में जो दिखेगा वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर मिल जाएगा आपको, स्टेटस यहाँ पे मेरे में सक। उसके बाद आपको यहाँ पे एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर न्यू लॉगिन पासवर्ड और कंफर्म न्यू लॉगिन पासवर्ड। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे नया पासवर्ड जो भी आप बनाना चाहते हैं उसको डाल दीजिए, और फिर जो ऊपर जो आपने यहाँ पे पासवर्ड डाला वही सेम टू सेम यहाँ पे नीचे भी आपको यही पासवर्ड डाल देना है। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है, जैसे यहाँ पे स्पेशल करेक्टर्स आपको यूज़ करने हैं, नंबर्स भी यूज़ करने हैं, और यहाँ पे कम से कम 8 अक्षरों का होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 20 अक्षरों का होना चाहिए। छोटे भी यहाँ पे स्मॉल भी अल्फ़ाबेट यूज़ कीजिए, स्पेशल करेक्टर ये देख सकते हैं, और कुछ हार्ड यहाँ पे पासवर्ड रखिए, ऐसा नहीं कि नॉर्मली कुछ भी रख दिया, डेट ऑफ बर्थ या नॉर्मली निकनेम, तो स्ट्रॉन्ग रखिए ताकि कोई भी आसानी से उस पासवर्ड को जान ना पाए। मैं सिंपली यहाँ पे डाल देता हूँ, इसमें पहले डाल देता हूँ, और वही सेम पासवर्ड जो यहाँ पे डालूंगा दूसरे वाले में भी डाल दूंगा, और फिर सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद अगर आप सही से सारी चीज़ें डालेंगे तो आपको आखिरी में ऐसा ही देखने को मिलेगा, योर लॉगिन पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट सक्सेसफुली। तो आपका यहाँ पे चेंज हो चुका है, जो भी आपने नया पासवर्ड बनाया है उसी से आप आसानी से यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। अब सिंपली आप यहाँ पे फिर से वहीं पे आ जाएंगे, और आपका यूज़र नेम पता ही है तो आपको यूज़र नेम डालना है, और जो आपने पासवर्ड बनाया उस पासवर्ड को डाल दीजिए, और यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है इसको यहाँ पे डाल दीजिए, लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप सारी चीज़ें यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग से कर पाएंगे। और अगर यहाँ पे आप यूज़र नेम भी भूल गए हैं तो आप सिंपली यहाँ पे फॉरगेट यूज़र नेम पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे यूज़र नेम वाला सेलेक्ट कर लेना है, और फिर उसको भी आप आसानी से चेंज कर पाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड बना दिया है, अब यहाँ पे आप आसानी से लॉगिन कर पाएंगे अपने इंटरनेट बैंकिंग में। अब चलते हैं यहाँ पे हम बनाते हैं प्रोफाइल पासवर्ड। उसके बाद अगर यहाँ पे आप प्रोफाइल पासवर्ड भी भूल गए हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे यूज़र नेम डाल देना है, और अभी मैंने पासवर्ड बनाना आपको बताया ही, तो पासवर्ड डाल देना जो नया बनाया है, और यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है कि जो कैप्चा यहाँ पे दिखेगा आपके में वो डाल देना, और अगर दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ पे ऑडियो कैप्चा पे क्लिक करके भी सुन सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके यहाँ पे मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, तो सिंपली उसको यहाँ पे डाल देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। अगर किसी भी कारण से नहीं गया अभी तक OTP आपके मोबाइल नंबर पे, तो यहाँ पे क्लिक हियर टू रिसेंट द OTP पे क्लिक कर देना है आपको, और OTP डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे लॉग इन कर लेते हैं आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ पे सिंपली देख पाएंगे कि आपको एक प्रोफाइल का सेक्शन देखने को मिल जा रहा है, इस पे यहाँ पे जैसे ही आप प्रेस करेंगे या माउस का कर्सर ले जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि है माई प्रोफाइल का। सिंपली इसी माई प्रोफाइल जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पे मांग रहा है, लेकिन हम तो यहाँ पे भूल गए हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आया होगा यहाँ पे सिंपली, तो उसको यहाँ पे डाल दीजिए और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अगला यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि आप लोग यहाँ पे जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपने डाले होंगे, सेलेक्ट किए होंगे जब भी आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो वो तो अगर आपको याद है ठीक है पहले पे क्लिक कर दीजिए, और अगर वो याद नहीं है तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कि आप ब्रांच जाके यहाँ पे करवा सकते हैं, लेकिन हमको तो यहाँ पे घर बैठे करना है, तो हम यहाँ पे तीसरा वाला चूज कर लेंगे। और पहला वाला अगर आपको याद है जो भी आपने क्वेश्चन से हिंट दिए थे, आंसर दिए थे, ये वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ATM डेबिट कार्ड फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि आराम से इससे हो जाए,
इसको जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, आपका यहाँ पे फिर से अकाउंट सेलेक्ट हो जाता है। आपको सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे फिर से आपको अपना कार्ड सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे जाके टिक कर देना है, उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे फिर से आपको कार्ड होल्डर नेम जो भी लिखा हुआ है आपके कार्ड पे, और जो भी एक्सपायरी डेट यहाँ पे महीना और साल लिखा हुआ है वो लिख देना है, और अपने ATM कार्ड का पिन डाल देना है, और फिर जो भी यहाँ पे कैप्चा दिख रहा है उसको डाल देना है, फिर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, नंबर और सक्सेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे सिंपली वेट कर सकते हैं, ये अपने आप यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक हियर पे। तो अगर ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाता है तो हो जाने दीजिए, नहीं होता है तो क्लिक हियर पे क्लिक कर दीजिएगा, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे अपना प्रोफाइल पासवर्ड डाल देना है, नया बनाना है, नया वाला, पुराना वाला भूल जाइए। और उसके बाद जो भी यहाँ पे आप प्रोफाइल पासवर्ड डालिएगा वो यहाँ पे सेम सेम जो भी ऊपर डाला है वही सेम टू सेम यहाँ पे नीचे भी डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपली हिंट क्वेश्चन है, यहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट कोई मतलब नहीं है, नॉर्मली मैं यही यूज़ कर लेता हूँ। हिंट क्वेश्चन यहाँ पे सिंपली आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे कोई सही सेलेक्ट करें। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, हु इज योर फेवरेट ऑथर, तो आपके कौन से ऑथर फेवरेट हैं, ऐसे करके आप यहाँ पे फेवरेट फूड आपका क्या है या फेवरेट टॉपिक क्या है, तो आप गलत भी बता सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, जब भी आप जैसे मैंने बताया था ना अभी, आपको दो ऑप्शन मिल रहे थे, एक ATM वाला और एक ये हिंट क्वेश्चन आंसर वाला, तो इससे भी आप यहाँ पे अपना पासवर्ड दोबारा से नया बना सकते हैं अगर भूल जाते हैं तो। मैं सिंपली कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा एक क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ पे कोई भी अपने मन का यहाँ पे आंसर डाल दूंगा, और उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेरी ऑटोमेटिक इसने ले ली है तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं लेता है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा और फिर सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा प्रोफाइल पासवर्ड भी यहाँ पे बन चुका है नया। तो यार आपको ऐसे ही आसानी से बना लेना है, कभी आगे भी भविष्य में आप भूल जाते हो तो आप ऐसे ही रिसेट यहाँ पे कर सकते हो, नया पासवर्ड बना सकते हो। वैसे तो सारी चीजें बता दी हैं, तब भी कोई शंका सुझाव नीचे जाके कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।